के पास शेयर बताइए, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों में ही गिरावट दिख रही है, क्या वजह है इसके पीछे? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले पिछले 9 सेशन में 26% तक जो है अप टू जो है स्टॉक्स गिर गए हैं। तो सबसे पहला कारण है कि मर्जर के बाद जो आरओई होती है, रिटर्न ऑन इक्विटी, उस पर दबाव दिख पड़ सकता है। इसके अलावा देखें तो एनआईएम जो कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, उसमें भी कमी देखने को मिल सकती है। अभी ऑपरेशनल आंकड़े थे, अब यहाँ पर कम कॉस्ट वाले कासा, यहाँ पर भी जो है कमी देखने मिल सकती है। तो पहले 3 ट्रिगर हमने देखे, और इसके अलावा एक हाई बेस एचडीएफसी के आंकड़ों में देखने मिलेगा, तो उसके कारण ग्रोथ में इम्पैक्ट पड़ेगा। और आखिर में मैं बात करूँगा एनआई ग्रोथ की, इसकी रफ्तार जो है कुछ तिमाही से लोन ग्रोथ से थोड़ी कम आई है। अब हम लोग रिटर्न्स के बारे में तो बात किए, लेकिन 4 अप्रैल की ऊंचाई से जो स्टॉक में गिरावट देखने मिली है, एचडीएफसी ले लीजिए आप, एचडीएफसी बैंक ले लीजिए, ये दोनों स्टॉक्स में 21 से लेके 26% तक जो है स्टॉक में जो है गिरावट देखने मिली है। और इसके अलावा जो है हम देख सकते हैं वैल्यूएशंस कैसे रहेंगे। और वैल्यूएशंस की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी करेक्शन ज़रूर हुई है 4 अप्रैल से, और अभी जो करंट वैल्यूएशंस है आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3.7 to 3.4 times है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के लिए। हालांकि अभी भी जो अपने 5 साल के औसत से ज़रूर थोड़े से जो है अट्रैक्टिव वैल्यूएशन से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अब जो है शेयर के एनालिस्ट की रेटिंग्स की बात करें तो दोनों स्टॉक्स में जो है बाय रेटिंग लगभग 89 to 100% एनालिस्ट का है, और जो 12 मंथ टारगेट पोटेंशियल है वो अभी भी 36 से लेकर 40% तक का ग्रोथ जो है अनुमान बैठे हैं। अब जो है ब्रोकरेजेस क्या 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 कहना है, तो सीएलएसए पे एचडीएफसी बैंक रहा है कि मार्जिनस जो है ऑलमोस्ट जो है तिमाही दर तिमाही पे 1.1% घटा है, लेकिन धीरे धीरे एक एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होगा और उसके कारण मुनाफे में मजबूती देखने मिलेगा। बोफा सिक्योरिटीज़ की भी राय है जो फोकस में रहेगा एचडीएफसी बैंक के लिए, वो कह रहे हैं कि उनकी बाय रेटिंग कायम है और लक्ष्य रखा है 1900 रुपये प्रति शेयर का, और अभी देख रहे स्टॉक का दाम लगभग 1356 पे है। और उन्होंने कहा कि जो ग्रोथ मोमेंटम है वो जो है उस पर जो है एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट देखने मिलेगा अगर आप कंपेयर करेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन के साथ। ओके शरद, शुक्रिया ये डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो क्लियरली एचडीएफसी एचडीएफसी बैंक फोकस में है भी, और इन पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कुछ कह रही हैं वो भी आपने यहाँ पर